अगर आप बिजनेस या फिर स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं या फिर आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया है तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दो ऐसे ऑनलाइन कोर्स जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो इस कोर्स की मदद से आप अपने बिजनेस की जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। दोस्तों ये कोर्स तो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपका टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। इस लॉकडाउन में आपको काफी अच्छा खासा टाइम मिला हुआ है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये दोनों कोर्स कर लेने चाहिए। अगर आप ये दोनों कोर्स कर लेते हैं तो आप जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों कोर्स से आप बहुत सारी ऐसी चीजें सीख जाएंगे जो आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर पाएंगे और आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना पाएंगे। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को एटलीस्ट 5 ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी लाइफ में अपने बिजनेस को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं, ताकि उनका भी भला हो पाए। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आपको कौन सी वेबसाइट पर विजिट करना है और एनरोल करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और आज की वीडियो के लाइक्स एंड कमेंट्स का टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 3000, तो अभी का भी वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में आपका नाम लिख दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमाओ और कमाने दो के नए एपिसोड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जिन दो कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं उनमें से सबसे पहला कोर्स आपको मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। आपने स्किल इंडिया का नाम तो जरूर सुना होगा। तो स्किल इंडिया और अपग्रेड जो कि एक प्लेटफॉर्म है, इन दोनों ने मिलकर एक कोर्स डिजाइन किया है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 40 से भी ज्यादा ऐसे फैकल्टी आने वाले हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे पहुंचाया है। कोई सीईओ है, कोई को-फाउंडर है, कोई फाउंडर है, तो ऐसे लोगों से आपको सीखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों हो सकता है आपको लग रहा होगा कि आपको ये कोर्स करने से फायदा क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, लेकिन अगर आप वो बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये वैलिडेट करना होगा कि वो बिजनेस क्या मार्केट में चलेगा, और इसके अलावा उस बिजनेस को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है इसका एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपके बिजनेस को स्टार्ट करने में और उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत ही हेल्प करने वाली है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सब्सिडी मिलती है, आप कैसे फंडिंग रेज कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस कोर्स में मिलने वाली है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कि आप इस कोर्स को कैसे एनरोल कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस कोर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप स्टार्टअप इंडिया की इस वेबसाइट पे आ जाओगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली लिखा है स्टार्टअप इंडिया लर्निंग प्रोग्राम। ये 4 हफ्ते का प्रोग्राम है, ऑनलाइन है और कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों इसके अंदर रजिस्टर करने के 2 ऑप्शन है, आप इंग्लिश में रजिस्टर कर सकते हो या फिर हिंदी में भी कर सकते हो। और यहाँ पे दिया गया है अबाउट दिस प्रोग्राम, जो मैंने आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताया वही सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि गवर्नमेंट ने और अपग्रेड ने मिलकर ये प्रोग्राम को डिजाइन किया, वो सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे की प्रोग्राम फीचर्स लिखे हुए, इंडस्ट्री का इनसाइट आपको पता चलेगा, बहुत सारे ऐसे ऐसे को फाउंडर फाउंडर आके बात करेंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्री में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, आपको नेटवर्किंग और मेंटरिंग मिलेगा। दोस्तों अगर आप ये कोर्स करते हो तो आप ऐसे लोगों के सर्कल में आ जाओगे जो लोग या तो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर बिजनेस ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। और दोस्तों आप खुद जानते होंगे कि अगर आप राइट सर्कल में रहोगे तो आपके मन में कोई भी डाउट होगा, कोई भी सवाल होगा, तो उसका इजीली आपको जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये कोर्स करते हो तो आपको बिजनेस प्लान कैसे बनाना होता है वो डिटेल आपको पता चल जाएगी। इसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है प्रोग्राम सिलेबस, इस प्रोग्राम में क्या क्या सिलेबस होने वाला है वो डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगी, जैसे कि आइडिया वैलिडेशन। दोस्तों आपका जो भी बिजनेस आइडिया होगा उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे और कैसे उसको वैलिडेट करोगे कि वो बिजनेस सही है कि नहीं है, वो सारे डिटेल बारीक बारीक इन्फॉर्मेशन आपको इस कोर्स की मदद से मिलने वाली है। इसके बाद में दोस्तों आपको फाइनेंस और लीगल से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो आपको पता चलने वाली है, और आप फंडिंग कैसे जमा कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सब्सिडी मिलने वाली है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको इस कोर्स की मदद से मिल सकती है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी के फाउंडर और को फाउंडर इस कोर्स को बनाने के लिए हेल्प कर रहे हैं, तो उनके थ्रू आपको बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है, जिनमें से एक है रेडबस कंपनी के फाउंडर, ये देखिए यहाँ पे ओला कैब्स के को फाउंडर भी है और मेक माई ट्रिप के फाउंडर भी यहाँ पे है। तो दोस्तों आपको ऐसे बहुत सारे लोगों की मदद से हेल्प होने वाली है इस कोर्स के अंदर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट की तरफ से और अपग्रेड की तरफ से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है, तो गवर्नमेंट की तरफ से रमेश अभिषेक DIPP सेक्रेटरी हैं वो, और अपग्रेड की तरफ से जो है वो है रोनी स्क्रू वाला, तो इन दोनों के टाइप की मदद से ये कोर्स को डिजाइन किया गया है।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना चाहे तो डायरेक्टली आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। मैं रजिस्टर नाउ हिंदी पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा जिसके अंदर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे देखा होगा जब भी हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होती है, तो वैसे ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करनी होगी। इसके बाद में दोस्तों आपको क्लिक करना होगा साइन अप के ऊपर। जैसे ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे आप अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे, यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं और भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। आपने कौन से प्रोग्राम के लिए एनरोल किया वो यहाँ पे दिख रहा है, और अवेलेबल प्रोग्राम, आपके पास इंग्लिश वाला प्रोग्राम अवेलेबल है, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। चलिए मैं हिंदी वाले पे क्लिक कर लेता हूँ ताकि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबको हिंदी में इजीली समझ में आ जाए। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं आपको स्टार्ट प्रोग्राम का ऑप्शन दिया गया है, नीचे आपको दिया गया योर प्रोग्रेस, आपने ये कोर्स कितना कम्प्लीट किया वो आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आपको कुछ और भी डिटेल दिख रही है जैसे कि 196 सवाल अब तक पूछे गए हैं, 509 जवाब मिले हैं और 302 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन ऊपर है वो है प्रोग्राम। यहाँ पे इस कोर्स में आप क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं वो अलग अलग मॉड्यूल के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है, और हर एक का ड्यूरेशन भी दिया है, कोई 30 मिनट का है, कोई 2 घंटे का है, कोई 2.5 घंटे का है, कोई 4 घंटे का है। अगर आप किसी भी मॉड्यूल को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा और उसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन होगी सारी की सारी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। दोस्तों तीसरा ऑप्शन है डिस्कशन, इस पे आप क्लिक करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मान लीजिए बिजनेस से रिलेटेड आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है और आस्क पे क्लिक करना होगा, तो वो सवाल यहाँ पे ये फोरम के ऊपर चला जाएगा और बहुत सारे लोग उस सवाल को पढ़ के उसका आंसर करेंगे। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे सवाल ऑलरेडी पूछे गए हैं, अगर आपको आंसर मालूम तो आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में चलिए दोस्तों हम होम पे चले जाते हैं, और अगर आपको ये प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो सिंपली आपको स्टार्ट प्रोग्राम पे क्लिक करना होगा। दोस्तों आगे का प्रोसीजर मैं आपको नहीं बताऊंगा बिकॉज मैं स्टार्ट प्रोग्राम पे क्लिक करके अगर आपको आगे का बताने की कोशिश करूंगा तो मैं स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्स है और ऑनलाइन कोर्स के अंदर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, तो आगे का प्रोसीजर मैं नहीं बता पाऊंगा, आपको सिंपली क्लिक करना होगा और स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों ये पहला कोर्स था जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपको कंप्लीट करने के बाद में सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हो। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे कोर्स के बारे में। दोस्तों दूसरा कोर्स आपको मिल रहा है IIM बैंगलोर की तरफ से। IIM का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों ये बहुत ही रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूट है बैंगलोर का। अगर आप कभी MBA करने की सोच रहे होंगे या फिर MBA के बारे में आपने कोई रिसर्च किया होगा तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। इस इंस्टीट्यूट में दोस्तों खाली वो लोग पढ़ते हैं जिनको मेरिट में मार्क्स आते हैं, मतलब जिनको 90% से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं उनको ही एडमिशन मिलता है। तो इतने बड़े इंस्टीट्यूट के बहुत सारे फैकल्टीज ने अलग अलग कोर्स को डिजाइन किया है, आप उनमें से कोई भी एक कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक क्या आप 2-3 को भी कर सकते हैं, सिलेक्ट करके आप उस कोर्स को पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बता देता हूँ कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए अगर आप बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं। दोस्तों जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको एनरोल प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक फॉर्म आएगा, आपको फिर से अपने सारे डिटेल भरनी होगी। दोस्तों डिटेल भरने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा सपोर्ट एजुकेशन रिसर्च बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो भर सकते हैं, जैसे कि आपका जेंडर क्या है, ईयर ऑफ बर्थ क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है और आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं वो डिटेल। ये भरने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना होगा क्रिएट अकाउंट के ऊपर। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर नाउ एनरोल इन डू योर वेंचर एंटरप्रीन्योरशिप फॉर एवरीवन। तो इस प्रोग्राम के अंदर आप एनरोल हो चुके हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक ऑप्शन है कि आप $150 देके भी ये कोर्स कर सकते हो और एक ऑप्शन है जिसमें आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर आप $150 देते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में करना चाहते हैं तो आपको ऑडिट दिस कोर्स के ऊपर क्लिक करना होगा, पर मैं आपको बताना चाहूंगा इस कोर्स के लिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, जो भी मटेरियल है वो सारे का सारा एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जैसे आप ऑडिट दिस कोर्स पे क्लिक करेंगे देखिए दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसके अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगर आप इस कोर्स को अपग्रेड करना चाहते हैं तो 26 अप्रैल से पहले पहले कर सकते हैं, आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट कोड भी दिया गया है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको ये भी बताया गया कि ये कोर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कोर्स है वो खाली 31 मई तक अवेलेबल है। अगर आप 31 मई से पहले पहले इस कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप 31 मई से पहले पहले नहीं करते हैं तो आपके कोर्स का जो भी प्रोग्रेस रहेगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों कोई इस कोर्स को स्टार्ट करता है
थोड़ा सा अटेंड करने के बाद वो सोचता है कि मैं बाद में कभी इस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर लूंगा, तो 31 मई के बाद में उसका अकाउंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ऑप्शन है। और दोस्तों आप नीचे जाएंगे तो आपको पूरा कोर्स का कंटेंट मिल जाएगा कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलने वाली है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। देखिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज है और उसके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज भी है, आप चाहें तो एक एक के अंदर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट कोर्स पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करोगे उसके बाद में आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे जो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर आप नहीं पढ़ना चाहें तो डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए आपके सामने ये वीडियो आ चुका है, इसको आप प्ले करके इस कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग कोर्सेज के ऊपर और भी वीडियोस बनाऊं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, एसईओ के ऊपर, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।